जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है कि यहाँ से हमको हटा देगा। मरने के ही बाद ये आंदोलन समाप्त होगी। एक कामेश्वर पंडित का ऐलान जंग है, जारी रहेगा। उसके बाद मात्र हमारी 3 मिनट की वार्ता हुई। होमगार्ड को छलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी मांगे मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में ले जाऊंगा, वहां रखूंगा। बाकी इनकी बातों में हम आने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं पुंदा के धरना स्थल पर। जैसा कि यहां मौजूद इन होमगार्ड जवानों को आज धरना पर बैठे हुए 10 दिन हो गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि आज इन्होंने कहा था कि ये एक इतिहास रचने वाले हैं, ये सदन का घेराव करेंगे और सरकार से अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं। इन्हें सरकार के द्वारा कहा गया कि आप हमारी बातों को सुने और शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करें, इसलिए आज इन्होंने सदन का जो है घेराव नहीं किया। सरकार के द्वारा इन्हें प्रोजेक्ट भवन में भेजा गया जहां इनसे वार्ता रखी गई। हालांकि जब ये प्रोजेक्ट भवन पहुंचे तो वहां इन्हें काफ़ी समय तक वहां प्रतीक्षा करना पड़ा और उसके बाद जो वहां पे आए जिनसे इनकी वार्ता थी तो उन्होंने कहा, जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि आपकी बातों को पूरी की जाएगी, आपकी मांग को रखी जाएगी, इसके लिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। लेकिन इन होमगार्ड जवान कर्मियों का कहना है कि इनके साथ छल किया गया, इन्हें कहीं ना कहीं व्यस्त रखने के लिए ऐसा किया गया क्योंकि आज इनकी तैयारी थी कि ये सदन का घेराव करेंगे। ये सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे सदन का घेराव करने के लिए, लेकिन इन्हें व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट भवन भेज दिया गया, इन्हें सदन भी नहीं भेजा गया। वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़े विधायक ने इनसे बात नहीं की। ऐसे में भी ये धैर्य रख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम को करने का सोच रहे हैं, फिर भी इनका जो है हौसला कम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ रात भी हो गई है लेकिन फिर भी यही चाहते हैं कि शांति से सरकार इनकी मांगों को पूरी करे और बिहार के तर्ज पर इन्हें सामान्य अधिकार दिया जाए क्योंकि ये साल के केवल 4 महीने काम करते हैं, बाकी के महीने ये इधर उधर से अपना गुजारा निकालते हैं। ऐसे में देखना है कि आज तो इन्हें व्यस्त रखा गया लेकिन आश्वासन ही दिया गया है, पर फिर भी इनका कहना है कि और 1-2 दिन प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद ये कुछ नया करेंगे, सरकार से अपनी मांगों को रखेंगे। तो देखना है कि आगे ये होमगार्ड जवान कर्मी क्या करते हैं। इसी मुद्दे पर आज यहाँ मौजूद इन होमगार्ड जवानों से हम बात करते हैं कि आज के जो दिन भर हुआ उस पर इनके क्या विचार है। आज हमारा प्रदर्शन था, विधानसभा घेराव को लेकर हम लोग जा रहे थे। उस दौरान प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, उसके बाद हम लोग रुक गए। रुकने के बाद प्रशासन के द्वारा हम लोगों को वार्ता के लिए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर अपर गृह सचिव गृह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग से मिलने के लिए ले जाया गया। जहां पर हम लोग गए तो करीब हम लोग को वहां पर 1.5 घंटा तक बैठा कर रखा गया। उसके बाद मात्र हमारी 3 मिनट की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान उन्होंने पूछा कि आपकी क्या समस्याएँ हैं, तो हम लोगों ने बताया कि हमारे मांगे हैं बिहार राज्य के तर्ज पर और जो मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव से पूर्व वादा किया था उसी वादे को लेने के लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी मांगे मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में ले जाऊंगा, वहां रखूंगा और उसके बाद मैं आपको दूरभाष के माध्यम से सूचित करूंगा। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उन्हें कहा कि जब तक हमें लिखित रूप में हमारी मांगे नहीं मिल जाती हैं तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बस इतनी ही बातें हुई हैं। हम लोग इनके बात से संतुष्ट नहीं हैं। वार्ता से ज़्यादा समय ही नहीं दिए वार्ता में कम समय दिए। पहले से भी कोई IG या कोई IPS वहाँ बैठे हुए थे, तो चूँकि उनका कहना था कि धरना समाप्त करने का, लेकिन हम लोग धरना समाप्त करने के नहीं हैं। हम लोगों ने प्रण करके यहाँ आया है करो मरो के नारे के साथ कि जब तक हमें हमारा अधिकार मिल नहीं जाता तब तक हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग इतने बात को कह के फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। जी हाँ, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब गए थे हमारे साथ में, रातू अंचलाधिकारी जो गए थे, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर मुख्य सचिव के द्वारा फिर ये निर्देश दिया गया था, उसके बाद ये वार्ता हुई थी। तो हम लोग जो लक्ष्य लेके चले थे सरकार के काम को जगाने के लिए, काम को खोलने के लिए, तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा हल्का सा जो प्रदर्शन हुआ है उससे लगता है सरकार तक हमारी बातें पहुंची हैं। तो हम लोग आस लगाए बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अब मुझे लगता है कुछ अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं जिसके कारण हमें हमारी मांगें नहीं मिल रही हैं। तो आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करेंगे। अगर नहीं पूरा होगा तो फिर अंत में तो जो होना है सो होगा ही। वार्ता यही हुई कि हमारी मुख्यमंत्री तक
हमारे डिमांड को पहुंचाने के लिए ही बोले, इसके सिवा कुछ वार्ता अभी हमारी नहीं हुई। यदि नमूना है होम गैस को छलने का काम किया जा रहा है, या प्रशासन हो या विधायक जी हो, हमारे मंच पर आते हैं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी इनकी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है कि यहाँ से हमको हटा देगा, मरने के ही बाद ये आंदोलन समाप्त होगी। एक कामेश्वर पंडित का ऐलान जंग है, जारी रहेगा जब तक हमारी राज्य के गिरिरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक मेरी एक भी जमाने यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं कामेश्वर पंडित प्रदेश सचिव झारखंड होम गार्ड से, जैसा कि आपने अभी खास आज तो हमने ट्रेलर दिखाया है, केवल ट्रेलर है, फिल्म तो हम दिखाएंगे वो नहीं, इसके बाद 20 तारीख को ट्रेलर दिखा देंगे। बिल्कुल रचेंगे, इतिहास रचेगा, ऐसा ही इतिहास होगा कि हमारे जवान गदगद होकर जाएंगे, यही इतिहास होगा कि झारखंड में यही इतिहास हुआ। मैंने स्पष्ट कहा कि हमारी एक ही मांग है, हमारी एक मांग है, राज्य के गिरिरक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित किया जाए, हमारी एक ही मांग है और हमको कुछ नहीं चाहिए। उस आश्वासन दिया गया, बाकी हम उस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, मेरा धरना जारी रहे। 5 प्रतिनिधि मंडल की वार्ता के लेकर के सरकार के द्वारा बुलाया गया था, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो है डोडे साहब जो है वो वार्ता के लिए बुलाए थे। 4 बजे का समय था बैठक के लिए, परंतु डोडे साहब जो है करीब 1-1.5 घंटे के बाद आए, उसके बाद चाय की चुस्की में इतना व्यस्त रह गए कि जिसको लेकर के मैं वहाँ से वापस आ गया गुस्से के आक्रोश में आकर के, और हमारे 4 प्रतिनिधि मंडल जो थे वो अंदर चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि 1 घंटे तक वार्ता करने के लिए बाहर में बैठा करके रखे, और जब वो आए, आने के बाद में जो है इस तरह का बर्ताव मैंने देखा कि वो चाय पर लगे हुए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब प्रतिनिधि मेरे बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि हम लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम लोग बोले कि चलिए यहाँ से वापस हम लोग आ गए। हम लोग बोले धरना का कार्यक्रम जारी रहेगा, किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा जब तक CM साहब से वार्ता नहीं होगी पूर्ण रूप से, और CM साहब के द्वारा अगर कोई लिखित आश्वासन दे देते हैं तभी ये धरना हमारा यहाँ से टूटेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएँगे। और सरकार को हम आज भी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये तो 10 कदम आगे हम बढ़े थे तो इतना हलचल मच गया, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, आगे आने देखा जाएगा फिर क्या होने वाला है, तो वक्त बताएगा, लेकिन 19 तारीख तक का हम इंतज़ार कर रहे हैं।